वर्दी मिली थी लोगों की सुरक्षा के लिए, लेकिन खाकी की हनक में रक्षक ही भक्षक बन गए। जहां एक युवक को कच्ची शराब के मामले में मामला दर्ज कर कार्रवाई कर दी गई। जी हाँ, जालौन में इस तरह का मामला सामने आया है, जिसमें युवक को यह सजा इसलिए मिली क्योंकि वह दरोगा की सह पर चल रहे अवैध कार्य को देख रहा था। जालौन की गोहन पुलिस का एक ऐसा ही कारनामा सामने आया है, जिसमें न सिर्फ क्षेत्र में होने वाले अवैध धंधों की पोल खुली है, वहीं चौकी के एक दरोगा पर वर्दी को दागदार करने का आरोप भी लगा है। दरअसल पूरा मामला कोठौन थाना क्षेत्र के ईटो चौकी से सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़के पर 50 लीटर कच्ची शराब का मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि इसमें विधायक को जब हकीकत पता चली तो उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए लड़के को पुलिस के चंगुल से बचाया। दरअसल आरोप है कि क्षेत्र में इन दोनों धड़ल्ले से जुए का अवैध कारोबार चल रहा है, लेकिन जब एक लड़का जुए के अड्डे पर रुका तो उस पर दरोगा ने रौब गालिब करते हुए एक मुकदमा कायम कर दिया। इस घटना से परेशान हुए युवक के माता पिता ने माधवगढ़ विधायक को जब आप बीती सुनाई तो विधायक का पारा चढ़ गया और वह लड़के को न्याय दिलाने पहुंच गए। इसके बाद लड़के को मुचलके पर दरोगा ने छोड़ दिया, लेकिन इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस को लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि पुलिस के उच्चाधिकारी इस पूरे मामले की जांच करके अगर दरोगा आरोपी है तो उसे सस्पेंड करें। फिलहाल विधायक व चौकी इंचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और यह वायरल वीडियो एक सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या सचमुच लड़का कच्ची शराब बेचता है या फिर पुलिस के लोग किसी पर भी फर्जी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल जाँच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। जालौन से देवेश कुमार, स्वर्णकार की रिपोर्ट। शुद्धता की कसौटी पर एकदम खरा पांडे मिष्ठान भंडार, यह सिर्फ बरुआ सागर में नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। सन 1963 से आज तक विश्वास और स्वाद का दूसरा नाम है पांडे मिष्ठान भंडार। नाम सुनकर मुंह में आ जाए पानी, यही तो है पांडे जी के रसगुल्ले की निशानी। तो फिर देर क्यों भैया, आइए और नए वर्ष पर अपना मुंह मीठा कीजिए। पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड बरुआ सागर 6।